हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन दम बिरयानी, जो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी लजीज होता है, जिसे आप घर पे भी काफ़ी कम समय में बना सकते हैं। चलिए हम वक्त जाया ना करके हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने 1 kg चिकन लिया है और 1 kg हमने कच्चा बासमती राइस लिया है और 200 ग्राम हमने तेल लिया है। आप रिफाइंड तेल भी यूज कर सकते हैं या मस्टर्ड ऑयल, आपके स्वाद अनुसार है। और हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 टेबल स्पून गरम मसाला मिक्सर में हमने पीस लिया है। 100 ग्राम दही लिया है हमने, 2 टी स्पून हमने देसी घी लिया है और 4 टी स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है स्वाद अनुसार। नमक हमने 2 टी स्पून लिया है और धनिया पाउडर लिया है हमने। 8 से 9 हमने लौंग लिए हैं, 3 बड़ी इलायची हमने ली है, 6 छोटी इलायची हमने ली है, 3 से 4 दालचीनी हमने लिया है, 4 बड़े टमाटर हमने लिए हैं, 7 से 8 हमने हरी मिर्च लिया है। और गार्निशिंग करने के लिए हमने धनिया पत्ती और आधा नींबू और 4 बड़े प्याज और 2 तेजपात लिया है। तो ये तो थे हमारे इंग्रेडिएंट। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे। तेल गरम होने पे प्याज डाल देंगे, जो हमने प्याज काटा है उसे हम डाल देंगे। उसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो हमारा प्याज जल सकता है। और फिर प्याज ब्राउन होने देंगे। प्याज को तब तक चलाना है धीमी फ्लेम पे जब तक आपका प्याज ब्राउन ना हो जाए। जब ब्राउन हो जाएगा प्याज तो इस प्याज को हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा प्याज हम इसी में छोड़ देंगे। और फिर हम इसमें जो हमने चिकन हमने लिया है 1 kg धोया हुआ है, इसको डाल देंगे इसके अंदर और इसको 5 मिनट तक हम तेल में फ्राई करेंगे, जिससे उसका कच्चापन खत्म हो जाता है। फिर हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे जो हमने पीसा था, उसको हम डालेंगे। फिर 5 मिनट तक हम उसको पकाएंगे। फिर उसमें जो हमारा ब्राउन जो ओनियन था जो हमने बाहर निकाल के रखा था, उसमें से थोड़ा सा ओनियन लेके हम उसमें डाल देंगे, आधा ओनियन और आधा रख लेंगे। फिर उसके बाद हम नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार। फिर उसके बाद 2 मिनट तक हम उसको चलाएंगे। फिर लाल मिर्च धनिया पाउडर डाल देंगे इसके अंदर, उसको भी थोड़ा देर फिर चलाएंगे। फिर टमाटर डाल देंगे, उसको भी हम 5 मिनट तक पकाएंगे। फिर 2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे, उसको 2 मिनट तक चलाएंगे। फिर उसके बाद हम दही डाल देंगे। फिर उसको फुल फ्लेम पर 2 मिनट तक चलाते रहेंगे। 2 मिनट जैसी होगा फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमारा ये चिकन तैयार हो चुका है। अब हम चावल की तैयारी करेंगे। तो चावल को हमने पहले ही पानी में भिगो लिया था, अब हम चावल की तैयारी करते हैं। जब पानी गर्म हो जाएगा तब हम उसमें तेजपात डालेंगे, गर्म मसाला डालेंगे, जीरा डालेंगे, नमक और थोड़ा सा तेल डालेंगे। जब पानी बॉईल होने लगेगा तब हम उसमें चावल डाल देंगे जो हमने भिगोया था। आधा नींबू डाल देंगे, उसको 80% तक कुक कर लेंगे। फिर हम चावल छान लेंगे जो उस पानी में पका होगा।
उसके बाद चिकन और चावल को एक बड़े भगोने में तह लगाएंगे। अब देखिए तह कैसे लगाना है। एक बड़ा पतीला लीजिए आप, सबसे पहले उसमें हल्का सा तेल डालिए ताकि नीचे चिकनापन रहे। फिर उसके बाद हम ऊपर चावल की तह लगाएंगे। धनिया पत्ती से थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। ऐसे करके हम आपके पास जितना चावल और चिकन है उसको जब तक खत्म ना हो जाए आप तह लगाते रहें। फिर जब लास्ट में जब आप तह लगा चुके होंगे, आप जो हमने ब्राउन प्याज हमने बचाए हुए थे ब्राउन प्याज हल्का सा उस पर फैला दीजिए। फिर उसको ढक्कन से ढक देंगे गैस का फ्लेम मीडियम करके। 5 मिनट के बाद जब स्टीम हो जाएगा फिर हम 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद हम फूड कलर डालेंगे जो मार्केट में काफी आसानी से मिल जाएगा। फूड कलर हम डाल देंगे, उसके बाद हम 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास देसी घी है तो आप थोड़ा सा 2-3 चम्मच चारों तरफ देसी घी डाल दीजिए, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। फिर उसके बाद आप इसको 2 या 3 मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पे आप रख दीजिए इसको। तो 2-3 मिनट के बाद आपका ये दम बिरयानी तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है, ये खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी है इसकी। आप भी ट्राई कीजिए अपने घर पे, बनाइए इसे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसकी जो भी आपकी प्रतिक्रिया है आप हमारी इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर लिखिएगा। और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप हमारे YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो आपको हर तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, कुछ अच्छे से रेसिपी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़। जय हिंद।